केरल में जो गर्भवती हथनी थी उसे अनानास खिला दिया गया, उसमें फटाके विस्फोटक भरा हुआ था जिससे उसका मुंह पूरी तरह से जल गया और 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच खड़ी, पूरी तरह से मुंह जला हुआ था, खाने से मोहताज हो गई, इस हथनी की मौत हो गई। ये मामला देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा में है। लोग आश्चर्यचकित हैं कि कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, हालांकि मारने से कोई लाभ तो नहीं है, सिर्फ अपनी इंटरटेनमेंट के लिए कैसे किसी की जान ले सकता है। और ये हथनी भी मारी गई और उसके पेट में जो बच्चा था उसकी जान भी चली गई। तो आपको बता दें कि केरल के मल्लमपुरम में हथनी को क्रूरता से मारने वाले अपराधियों को पकड़ने के लिए 1,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वाइल्ड लाइफ SOS ने ऐलान किया है कि जो आरोपियों को पकड़ के लाएगा वन विभाग उसे 1,00,000 रुपए देगा। संस्था ने एक नंबर जारी किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप हाथियों को बचाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए 9199716997727 पर कॉल करें तो आप हाथियों को बचा भी सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं, जो भी जानकारी वो दे भी सकते हैं वन विभाग को। इसके अलावा एक मेल भी दिया है जिस पे आप उन्हें मेल कर सकते हैं, तो इस तरह से आप सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन वन विभाग की ओर से जो जानकारी देगा, पकड़वाएगा, उसे 1,00,000 का इनाम घोषित किया गया है। ये मामला राजनीतिक टूल भी पकड़ रहा है और सभी मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी हो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होना बेहद जरूरी है।